हेलो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम वायरल स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस तरह का जो स्टेटस है अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा है। दोस्तों, आप इस पेज में देख सकते हैं, इसके अभी 101,000 फॉलोवर हो चुके हैं और इनकी वीडियो में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इन वीडियो में व्यू और लाइक जा रहे हैं। गाइस, आप देख सकते हैं इस वीडियो में 2.6 MB व्यू जा चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इस तरह की जो स्टेटस वीडियो हैं अभी वायरल चल रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो भी वायरल हो सकती है। तो गाइस, आपको इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना है। गाइस, आपको अलाइट मोशन प्रो ऐप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अलाइट मोशन प्रो ऐप को डाउनलोड करना है। तो गाइस, आपको अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। अलाइट मोशन ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर टैप करना है। यहाँ से आपको 960 वाली साइज को सिलेक्ट करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहले एक साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए प्लस वाला ऑप्शन टैप करना है, मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। यहाँ से हम इस वाली साउंड वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, साउंड वाली वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा 3 डॉट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक्स्ट्रा आइडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस वीडियो को जो साउंड है हमारे वीडियो में लग जाएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट में जो साउंड वाली लेयर है वो आ चुकी है। अब आपको इस वाली वीडियो को डिलीट करना है, वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही साउंड वाली वीडियो है जो डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साउंड है वो लग चुका है। अब आपको इस समय एक वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर टैप करना है, मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। इस वाले वॉलपेपर को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। इस वॉलपेपर की लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से आपको इसको जूम करके इस तरह से लगा देना है। अब आपको वॉलपेपर के लेयर के एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ से आपको लेयर के शुरू में आ जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर टैप करना है। अब आपको लेयर के थोड़े से आगे जाना है, फिर से प्लस वाले ऑप्शन में टैप करना है। अब गाइस, आपको वॉलपेपर को लेफ्ट साइड में ले जाना है। इस तरह से हम लेफ्ट साइड में वॉलपेपर को ले जाएंगे। अब गाइस, आपको लेयर को आगे बढ़ाना है। इस तरह से हम इसको 4 सेकेंड तक आगे बढ़ा देंगे, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब फिर से आपको वॉलपेपर को राइट साइड में ले जाना है, इस तरह से। अब आपको फिर से वॉलपेपर के लेयर को आगे बढ़ाना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब आपको वॉलपेपर के लेयर को राइट साइड में ले जाना है, इस तरह से। अब आपको वॉलपेपर के लेयर के एंड में जाना है, प्लस वाले ऑप्शन टैप करना है। अब आपको वॉलपेपर के लेयर को राइट साइड में ले जाना है। अब यहां से गाइस, आपको बैक आना है, वॉलपेपर के लेयर के शुरू में आ जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहां से आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो गाइस, जो चौथे नंबर पर स्ट्रिप्स वाला जो इफेक्ट आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। आपको जो ये फर्स्ट में काउंट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपको बढ़ा देना है। इस तरह से आपको फुल इसको बढ़ा देना है। तो इस तरह से हम 200 तक इसको बढ़ा देंगे। अब गाइस, आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्मूथिंग वाला, इसको भी आपको फुल बढ़ा देना है। तो इस तरह से हम 0.500 पर इसको सेट करेंगे। अब यहाँ से आपको बैक आना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा जो वॉलपेपर है कुछ इस तरह से सेट हो गया है। अब यहाँ पर आपको इसमें एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, इस वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। रेक्टेंगल को खींचकर आपको फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा देना है। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ब्लैक वाले कलर को इसमें सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको बैक आना है।
और यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इसकी ओपेसिटी को आपको कम करना है इस तरह से इसको हम 40 पर सेट करेंगे। अब यहाँ से आपको बैक आना है, रेक्टेंगल वाली लेयर के एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही जो रेक्टेंगल की लेयर है वो साउंड क्लियर के बराबर हो जाएगी, यहाँ से आपको बैक आना है। अब इसमें आपको एक PNG सारी को सिलेक्ट करना है, प्लस वाला ऑप्शन पर टैप करना है, मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। इस वाली PNG सारी की लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से आपको PNG सारी को सिलेक्ट करना है, इसको आपको ऊपर साइड में सेट करके यहाँ पर लगा देना है। इस तरह से हम इसको सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। PNG सारी की लेयर के एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है, प्लस वाला ऑप्शन पर टैप करना है, मीडिया पर जाना है, अल्पा जाना है। तो इस तरह से हम उसी वाले वॉलपेपर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने का इसको आपको छोटा करके नीचे साइड में लगाना है इस तरह से। अब आपको वॉलपेपर की लेयर के एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, यहाँ से आपको बैक आना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ से गाइस आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको आपको नीचे साइड में ला देना है इस तरह से आपको नीचे साइड में लाना है। इस तरह से हम इसको 25 मार देंगे। अब यहाँ से आपको बैक आना है। अब गाइस आपको सेप की लेयर के एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ से आपको बैक आना है। अब गाइस आपको वॉलपेपर वाली लेयर को और सेप वाली लेयर को दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने का ऊपर में जो आपको बीच में ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। अब आपको ग्रुप एंड मास्क वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का थोड़ा सा आपको इसको नीचे साइड में ला देना है इस तरह से हम इसको सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। बॉर्डर एंड शैडो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद एड बॉर्डर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है इस तरह से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब यहाँ से आपको बैक आना है। यहाँ पर गाइस आपको इसमें एक XML फाइल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है, प्रोजेक्ट पर जाना है, इस वाली XML फाइल को सिलेक्ट करना है। इस वाली XML फाइल की लिंक गाइस आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको XML फाइल के तीनों लेयर को पहले कॉपी करना है, यहाँ से आपको इस तरह से कॉपी करना है। कॉपी होने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद उसी प्रोजेक्ट पर जाना है जिस पर हम वीडियो को बना रहे थे, उसी प्रोजेक्ट को यहाँ पर हम ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको तीनों लेयर को पेस्ट करना है जो आपने कॉपी की थी। इस तरह से हम यहाँ पर तीनों लेयर को पेस्ट कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।